ये करोड़ प्रतिशत शून्य बहुत करुण और बहुत मोर इफेक्टिव। और दीक्षा के पहले ही दिन रात को मन विचलित हो गया। दर्पण और मैप, तुम ये प्रश्न तुमने कितनी बार सुने, हम सुनते तो लगता है संजय भाई भगवान महावीर नाथ दीक्षा ले मुनि ने पहली रात खरे जवानों बिचारा भाई। तमें क्या रहे आ दृष्टान डीप में गया चेने दीक्षा त्रण जगत ना नाथे आपी छे। महाराजा शनि नो सुशील खानदान दीकरो छे, वैराग्य नी चारित्र ना मार्ग निकलो छे। माए बहु रोक्यो छे, खेला समा मना समा पित्ता समा मां निकल जाता हूं मैं। ऐसे वैराग्य के साथ दीक्षा लेने वाले को दीक्षा के पहले दिन अपने बस की बात नहीं है चारित्र का पालन करना। साहब आवो काचो वैराग्य हो सके तबे बोलो। शास्त्र लखे वैराग्य केड़ना तार करता पातळो होय छे अने साचवो पड़े छे। मगर एक खानदानी थी जिस परमात्मा ने मुझे दिया है उसी परमात्मा को वापिस देके जाऊंगा, ये खानदानी थी। वो रख के भाग भी सकता था, ऐसा चीटिंग भगवान के साथ नहीं करूंगा। परमात्मा महावीर देव के चरण में रख के बोलूंगा भगवान मेरे बस की बात नहीं, मेरी दीक्षा का पालन कर सकूं, आपने दिया होगा किसी भी कारण से मैं जाता हूं। और मैं कुमार चारित्र जीवन छोड़ने के ख्वाब से परमात्मा के समर्थन की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और परमात्मा वहां विराजमान है। भगवान ने मेघ कुमार को देखा, आंख नीची है, मन शर्म से झुका हुआ है। कितना पराक्रम करके मैंने चारित्र जीवन अंगीकार किया था, आज भगवान को वापिस देने के लिए मैं जा रहा हूं। और जैसे ही मेघ कुमार समर्थन में चढ़ गए, मैं आंख में आंसू आ गए। ये आवाज कभी नहीं सुना, ये गंभीर आवाज, ये प्रेम का आवाज, ये वात्सल्य का आवाज। मैं आपको ये देने के लिए निकला हूं। मेघ तूने बहुत गलत सोच लिया, आंसू बहने लगे। आज तक मेरी माँ और मेरे बाप से भी मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी। भगवान के सामने मैं बयान करूं इसके पहले भगवान बोलते मेघ तूने बहुत गलत सोचा। मैं कि ये पवित्र जीवन छोड़ने का ख्याल किसके लिए? रात को सोए संतानों में धूल लगी इसके लिए नहीं तुम रोए। मैं एक बार समझ लेना, तुम्हें धूल डिस्टर्ब नहीं की, ये धूली की वजह से तुम संयम छोड़ना नहीं चाहते हो। और मेघ का एक्सरे भगवान खुला कर देता है, सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ। मेघ अपने घर की सैया तुम्हें याद है, तुम राजकुमार थे और तुम चेक करो तुम्हें मन में ये ख्याल है कि नहीं। तुमने कल रात को ये सोचा था कौमे सुख सैया, कहां मेरी राजगादी की सैया और कहां ये मेघ? ये धूली से तुम डिस्टर्ब नहीं हुए और धूली और सैया की तुमने टैली की है। मेघ तुम्हें मालूम है तुमने गत जन्म में कौन सा पराक्रम किया था? प्रभु कुछ मालूम नहीं। और भगवान ने मेघ के सामने वो पूर्व भाव लाके खड़ा, मेघ एक हाथी के भूमे एक खरगोश को बचाने के लिए
डेढ़ दिन तक तुमने पैर खड़ा रखा था, यह पराक्रम करने वाले तुम, राजमहल की गद्दी और ये मुनि की धूल, ये छोड़ना है ये? पूरा समोसरण दिख रहा है और मेघ की आंख से आंसू जा रहे हैं। प्रभु सोचा तो बहुत कुछ था, मगर आपने सब मेरे सामने खुला कर दिया। आप मेरे जीवन रथ के सारथी हो। मैं आज आपसे प्रतिज्ञा करना चाहता हूं, जिसके कारण से मैं चरित्र छोड़ रहा था उनको चोट लगाना चाहता हूं, आज से लेकर के मेरी आंख को छोड़ करके मेरा पूरा जीवन मुनि भगवान की सेवा करिए मैं समर्पित कर देता हूं। चाहे डंडा मारेगा, कुछ भी करेगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा और कभी नहीं सोचूंगा। भगवान, आपको मालूम नहीं, मेघ कुमार ने पुनः महाव्रत मांगे हैं। कल ही तो महाव्रत का उच्चारण भगवान एक बार मन से चुक गया था, और ये मेघ कुमार मुनि जीवन में स्वस्थ होने के बाद बढ़िया आराधना करके जीवन सार्थक कर गए। कल्प सूत्र का पहला प्रवचन, भगवान अब जीवन रथ के सारथी हो। वो कैसे सारथी? जैसे संयम छोड़ने की सोचने वाले मेघ कुमार को अपने जिस लाइन पे लाके साधु जीवन तक बिठा दिया, ऐसे ही हमारे मन को भी आप ऐसी सद्बुद्धि दे करके सन्मार्ग पर टिकाने का काम आप करते हो। दम्म सारहीणम और आगे का